हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं विनायक शर्मा, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। जैसे हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और हम निकल रहे हैं इंडिया के लिए, आज घर के लिए। जैसे हम शिफ्ट कर रहे थे कि शिफ्ट नहीं, एक्चुअली हमारे दोस्त जो रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे हम सामान रख के जा रहे हैं, अपना जो भी सब कुछ है तो वहाँ रखने जा रहे थे। तो मैं सोचा आपको यहाँ के फ्लैट कैसे होते हैं, यहाँ कैसे जिसमें हम रह रहे थे वो एक बार दिखा दूँ। कि चलिए आपको दिखाता हूँ हमारे फ्लैट। ये देखिए, ऐसे उस दिन के वीडियो में मैंने जैसे दिखाया था कि एंट्रेंस तक तो दिखाया था, तो एंट्रेंस से ऐसे घुसते ही इधर वार्डरोब टाइप से एक है कि सामान वामान आप टांग सकते हो जैकेट वैकेट के लिए। तो ऐसे ग्लासेस है बड़े बड़े बड़े, तो यहाँ आप सामान वगैरह रख सकते हो। फिर ऐसे एक यहाँ किचन है, यहाँ किचन है ऐसे। यहाँ जो यहाँ का जो सिस्टम है, तो जैसे सब सामान बांध के रखा है, देख रहे हो आप, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ रखने जा रहे हैं। तो यहाँ बर्तन वगैरह सब मिल ही जाता है, मतलब जो रेंट में दे रहा है वही सब बर्तन गैस वैस सब यहाँ अवेलेबल रहता है, फर्निश्ड फ्लैट रहता है। पर कुछ कुछ चीज़ें नहीं रहती, जैसे आपको बताऊँगा। ये देखिए, ये है वॉशरूम हमारा, बाथटब। और ये यहाँ का वॉशरूम का क्या सिस्टम है कि आप नीचे पानी नहीं गिरा सकते, जैसे हम इंडिया के वॉशरूम में गिराते हैं ना। ये यूक्रेन में भी था ये सिस्टम कि आप नीचे पानी नहीं गिरा सकते, बाथटब के अंदर ही आपको नहा के वही वो करना होता है। ये एक रूम है, जैसे एसी वगैरह सब है, पर यहाँ बेड नहीं होता है। बहुत होता है, मतलब कम फ्लैटों में होता है बेड। जैसे ये देखिए, ऐसे पिलो सब देते हैं यहाँ पे, बेड मैट्रेस वगैरह, जिसके ऊपर हम पूरा वो करके, मतलब बेडशीट मैट्रेस सब कुछ दे देते हैं, तो हम को नीचे ही बिछा कर उसको सोना होता है। ऐसे दो रूम वाला फ्लैट हमारा। और ये जैसे फर्नीचर थोड़े वगैरह हैं, थोड़े हैं। और ये फ्रिज भी है यहाँ पे, फ्रिज में भी अभी तो हमने खाली कर दिया पूरा, तो प्रॉपर वर्किंग नया फ्रिज मिला था हम लोग को, तो सब कुछ दे देते हैं। और ये है दूसरा रूम, दूसरा रूम ऐसे यही था बस हमारा छोटा सा फ्लैट। अभी हम टेम्पररी इसमें थे पिछले 2 महीने से, इससे पहले हम दूसरे फ्लैट में थे, तो जो हमने चेंज किया था इस बार। और वो जो आगे का फ्लैट है उसमें हमारे यहीं के सर रहते हैं, सर्जरी के सर। तो ये है यहाँ का फ्लैट। अभी आप हम जा रहे हैं समृद्धि यशवी के फ्लैट में सामान रखने के लिए, तो वो फ्लैट आपको दिखाता हूँ। चलिए, क्लास क्लास। तो ये देखिए, हम ऐसे जा रहे हैं समिति लोग के फ्लैट की तरफ। एक गाड़ी में बस दो ही ट्रॉली आ पाया, तो प्रावा प्रावा न प्रेमा प्रेमा सेल ऑफिस प्रेमा दिन प्रावा। तो हम जा रहे हैं इधर, ये देखिए आका सहाय रूपी और रिया आ रही है शायद साथ में, तो दोनों के लिए रुके हुए हैं वो लोग, बाकी सामान लेके आ रहे हैं। तो निखिल रुक गया फ्लैट में। चलिए अभी उन लोग के पहुंचते ऊपर जाके दिखाता हूँ आप लोग को फ्लैट। तो ये देखिए इनका फ्लैट, ऐसे एंट्रेंस से घुसते ही सीधा ऐसे किचन है। किचन से ये देखिए, किचन और किचन इनका सीधा जो हमारा मेन रोड है ना यहाँ का, ऐसे जो ये दिख रहा है आपको व्यू, तो ऐसे मेन रोड पे ही ऐसा सीधा फ्लैट इनका। बहुत अच्छे लोकेशन पे, प्राइम लोकेशन पे फ्लैट मिला इनको। और ये इनके ओनर भी बहुत अच्छे है, तो सारा सामान वामान देखिए यहाँ पे, जैसे बर्तन वगैरह हो गया ऐसे, तो ओवन भी रहता है। तो हर मैंने जैसे अपने फ्लैट में भी दिखाया था, तो सब कुछ ऐसे मिल ही जाता है यहाँ पे। फिर ये हो गया, ये एक रूम हो गया, इसमें जैसे एसी वगैरह सब कुछ है, मतलब यहाँ सभी कुछ दे ही देते हैं, लाइट वगैरह ऐसे। ये देखिए, मतलब सामान रखने के लिए कबर्ड टाइप से। फिर एसी भी यहाँ पहले से लगा हो, मतलब सब अवेलेबल। जो ये लोग बोल रहे थे कि जैसे ये लोग रिसेंटली ओनर के घर गए थे ना मिलने, ओनर जब आई थी तो बाजार लेके गए, फिर बोलते हैं कि क्या क्या लेना है तुम लोग को, सब ले लो। तो हमारा सामान ऐसे हम रख दिए यहाँ पे ले आके। फिर इधर देखिए, इधर एक वॉशरूम है, इधर इधर है, फिर इधर वॉशिंग मशीन भी लगा है, फिर मतलब बाथरूम है एक्चुअली, वॉशरूम तो नहीं सॉरी। फिर ये एक दूसरा रूम है, ये दूसरे रूम में देखिए ऐसा बड़ा सा कबर्ड है यहाँ पे, लाइट देखिए, फिर ऐसा सब कुछ। तो इस रूम में भी अभी बेड आने वाला है एक नया, तो ये ओनर बोली है कि देगी, तो ये देखिए ये हो गया। फिर
ये एक हो गया, ये हो गया इनका वॉशरूम घुसते ही ऐसे, मतलब अलग अलग वॉशरूम और बाथरूम होने से, तो ये ऐसे हो गया सब कुछ। तो ये एक फ्लैट हो गया। चलिए आपको अभी दूसरा रिया लोगों का फ्लैट भी दिखाऊंगा मैं। यहाँ से जाके हम जैसे तैयार होके उनके फ्लैट जाएंगे तो आपको वो फ्लैट भी दिखाता हूँ। तो ये रिया लोगों का फ्लैट, अभी हम फाइनली, ये देखिए निखिल पानी भर रहा है ले जाने के लिए, तो हम निकल चुके हैं अभी घर के लिए। तो ये एक रूम है, यहाँ अभी रिया पैकिंग कर रही है, तो ऐसे एक रूम है। फिर इनका घुसते ही ऐसे यहाँ पे किचन है, किचन में फ्रिज, और ये देखिए सारा मैस होके रखा क्योंकि अभी जस्ट बन रहा था ना, पैकिंग हो रहा था खाना लेके जाने के लिए। तो ऐसे इनका भी बहुत अच्छा फ्लैट है, सुंदर सा। तो इसके बाद यहाँ बीच में एक हॉल है, हॉल बस कपड़े सुखाने के काम में आता है इनका, मस्त अच्छा बड़ा सा हॉल है। फिर उसके बाद इधर जाके बाथरूम है, बाथरूम में सब वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ यहाँ पहले से दिया हुआ था, बाथटब वगैरह। फिर बगल में इधर टॉयलेट भी है वॉशरूम है, तो इधर टॉयलेट के बाद फिर इधर से जाके, इधर दो कमरे हैं, ये कमरा है, और इसमें भी सारा फर्निश्ड है, बस वही बेड नहीं है, बेड बस एक ही है वो पहले वाले जो बड़ा कमरा दिखाया था उसमें, और ये एक दूसरा कमरा है, इसमें एसी वगैरह है ऐसे। तो यही था यहाँ का फ्लैट, मतलब रिया शाम्भवी और बिपाशा का फ्लैट। तो ये था, आपको मैंने इस वीडियो में तीन फ्लैट दिखाए, हमारा समृद्धि यशवी वाला, और ये रिया शाम्भवी और बिपाशा वाला। तो तीन फ्लैट आप लोग को मैंने दिखाया इस वीडियो में। तो कैसे कैसे हो टाइप से फ्लैट मिलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबिलिटी, और बहुत और मिलते हैं वेल फर्निश्ड, वो अपने एक्सपेंडिचर के ऊपर है रेंज, अब जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा फ्लैट मिलेगा आपको। तो यही था फ्लैट का वीडियो। अब हम, देर हो रही है, हम निकल रहे हैं बोगजाल के लिए, मतलब रेलवे स्टेशन के लिए, अभी हमारा ट्रेन है ताशकंद का। तो ये वीडियो यहीं तक था, वो दूसरा वीडियो में वो ट्रैवलिंग वाला व्लॉग आएगा। थैंक यू सो मच, अगर आप लोग ने वीडियो कंप्लीट देखा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।